नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। बकरी में ये देखिए फोड़ा हो गया है गर्दन पे, और सबसे पहले निडिल से पिक करके देखा गया कि क्या स्थिति है। ये पक गया था और हमने इसमें इंसीजन लगा के बाहर कर दिया सारा। कैप्सूल अंदर है, बाहर से मुंह नहीं था, भरा हुआ था पूरा अंदर, तो चीरना पड़ा है। चीर के इसमें बीटाडीन लोशन से वॉश कर दिया गया, अंदर बढ़िया से साफ़ कर दिया गया पूरा, पस बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद गौज भर दी जा रही है। गौज बढ़िया से भरने के बाद ऊपर से बैंडेज बांध दिया जाएगा। और खुला भी रखना है तो एक स्प्रे ले लें आप, कोई भी डीमैग स्प्रे, इसके बाद स्प्रे या आलू स्प्रे, कोई भी स्प्रे एक लेके उस पर मारते रहें ताकि घाव भरने में सहायक हो। और गौज तब तक भरते रहें जब तक कि घाव अंदर से ना भर जाए, ताकि ऊपर से घाव भर जाए फिर अंदर पक जाए तो दिक्कत होती है। और बढ़िया से बैंडेज कर दे रहे हैं जैसे देख रहे हैं ये, और खुला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर गौज भर दी जा रही है। कैप्सूल जो हो गया है, जो फोड़ा हुआ था, इसके साथ साथ 2 ml एविन और मोनोसेप 500 mg, ये 2 इंजेक्शन, मेलोनेक्स 2 ml, तीनों इंजेक्शन लगा दिया गया है। 2-3 दिन लगा दिया जाएगा, अल्टरनेट डे पे बैंडेज चेंज कर